बहुत सारे यूजर्स विंडोज 11 यूज करने लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काफी सारे यूजर्स को अभी भी ये नहीं पता है कि विंडोज 11 आपको फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है। और अगर आपको पता भी है तो ये नहीं पता होगा कि विंडोज 11 में तीन तीन ऐसे फ्री टूल हैं जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है। अगर आप एक से ना खुश हैं तो दूसरे को यूज ले सकते हैं, और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूज के हिसाब से आप यूज ले सकते हैं। तो उन तीनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिले तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूं जो आपको विंडोज 11 प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम है स्निपिंग टूल। और ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग यूज भी कर रहे होंगे। सीधा आप सर्च में जाएंगे, स्निपिंग टूल यहां पे आप सर्च करेंगे और स्निपिंग टूल इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है। यहां पर आपको न्यू का बटन मिलता है। अगर आप फोटो अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो यहां से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देन यहां पर आपको एक वीडियो का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसकी हेल्प से, इस बटन की हेल्प से आप यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जस्ट आपको न्यू पे क्लिक करना होता है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जिस एरिया की रिकॉर्डिंग आपको करनी होती है वो इस तरीके से सिलेक्ट करनी होती है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले यहां पर आपको कुछ ऑप्शन और भी मिलते हैं। अगर आप माइक्रोफोन का यूज लेना चाहते हैं तो माइक्रोफोन की भी सुविधा मिलती है यहां पे। तो यहां पर आप माइक्रोफोन को आप ऑन कर सकते हैं, और सिस्टम साउंड की भी सुविधा मिलती है यहां पे। आप चाहें तो सिस्टम का साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जस्ट आपका ये टिक होना चाहिए इस तरीके से, यानी कि इन दोनों पे क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब स्टार्ट करेंगे तो जस्ट यहां पे 1 2 3 आएगा और आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहां पे आपको शो नहीं हो रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन एक्चुअल में यहां पे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं यहां पे स्टॉप करूंगा तो ये इस तरीके से विंडो ओपन होगी और यहां पे सेव का बटन आएगा। आप डेस्कटॉप पे या फिर जहां पर भी चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी यहां पे सेव हो गई है, मैं आपको यहां पे इसको रन करके बता देता हूं। और इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें कैमरा रिकॉर्डिंग की यानी कि वेबकैम रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, जस्ट आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विद सिस्टम साउंड एंड माइक। ओके, इसके अलावा अब मैं आपको दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल यहां पे बताता हूं जो विंडोज 11 का हिडन टूल है, ठीक है। लेकिन इस टूल का जो पर्पस है वो गेम रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जब भी आप कोई गेम प्ले करेंगे तो आप उस स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन रिकॉर्ड करके भी बताऊंगा। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नाम है एक्सबॉक्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यानी कि एक्सबॉक्स गेम बार। जस्ट विंडो प्लस जी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एक इस तरीके का इंटरफेस आपके सिस्टम में ओपन होगा। एक बार अगर मैं कहूं तो एक गेम बार यहां पे ओपन होगी। ये बेसिकली गेम्स को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आप कोई गेम प्ले करते हैं तो यहां पर रिकॉर्ड बटन यहां पर इनेबल हो जाता है और फिर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ब्राउजर या फिर जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन ओपन ही है आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तब भी आप इसकी हेल्प से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इस ब्राउजर पर वर्क कर रहा हूं, मैंने इस ब्राउजर को ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं विंडो प्लस जी यहां पे दबाता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो अब मेरा जो रिकॉर्डर है ये इनेबल हो गया है। अब मैं इसकी हेल्प से जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। उससे पहले यहां पे कुछ ऑप्शन आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर इस बटन की हेल्प से आप स्क्रीन शॉट लेते हैं करंट स्क्रीन का। इसके अलावा यहां पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप माइक यूज ले रहे हैं तो आप माइक भी यहां पे इनेबल कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम। ओके, इसके अलावा यहां पर नीचे आपको जिस विंडो को, जिस एप्लीकेशन को आप स्क्रीन करने वाले हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, उसका नाम यहां पे आ जाता है। तो गूगल क्रोम यहां पे नाम आ रहा है, अगर कोई गेम होता पीछे तो वो गेम यहां पे आ रहा होता। इसके अलावा नीचे आपके पास ऑडियो की एक विंडो आ रही है जिसमें आप मिक्सिंग कर सकते हैं ऑडियो का, यानी कि आप सिस्टम साउंड प्लस माइक की जो वॉइस है उसको आप मिक्स कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको कौन सा माइक यूज़ लेना है, जैसे सपोज यहाँ पे अभी मेरा माइक्रोफोन जो मेरा वेबकैम है उसका माइक्रोफोन यहाँ पे यूज़ ले रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं जो वॉइस है वो जा भी रही है। तो इस तरीके से यहाँ से आप कस्टमाइज सेटिंग अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी है। एप्लीकेशन क्लोज करेंगे यानी कि जो पीछे जो भी एप्लीकेशन ओपन है, अगर आपने उसको क्लोज कर दिया फिर मिनिमाइज कर दिया तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा। इस स्क्रीन रिकॉर्डर का डिमेरिट यही है कि आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उसकी विंडो ओपन होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। इस तरीके से आप बटन दबाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, यहां पर कैप्चर स्टेटस आपका चालू हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है आप जैसे ही स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो चालू हो गई है। ओके, अब आप यहां पर जो भी टास्क करेंगे वो यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो के तौर पे। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे, चाहे वो पावर पॉइंट हो या फिर कोई वेबसाइट हो या फिर कुछ भी आप एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं जो आपके सिस्टम में ओपन है, चाहे वो गेम ही क्यों ना हो, तब ये बेस्ट है। अदरवाइज डेस्कटॉप की स्क्रीन आप इससे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर इसने रिकॉर्ड किया नहीं किया। आज हमारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन यहाँ पर गेम बार में चली गई है, विंडो प्लस जी दबाएंगे वापस से और यहाँ पर सी माई कैप्चर्स में जाएंगे और यहाँ पर भी आपको नजर आ जाता है। सी माई कैप्चर्स में जब आप जाते हैं तो गैलरी ओपन होता है और यहाँ पर इस तरीके से आपका स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो नजर आ जाएगा विद वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। ओके, तो ये था हमारा दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि सिर्फ करंट एप्लीकेशन पर ही वर्क करेगा। एप्लीकेशन क्लोज तो स्क्रीन रिकॉर्डर यानी कि गेम बार क्लोज। ओके, तो ये थे दो स्क्रीन रिकॉर्डर और मुझे यकीन है कि इस दूसरे के बारे में भी काफी सारे यूजर्स जानते होंगे, लेकिन जो तीसरा मैं आपको बता रहा हूं ना, तीसरे के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि तीसरा एक तरीके का हिडन फीचर है और तीसरा वो फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट 11 ने आपको वीडियो एडिटिंग टूल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया है। काफी सारे ज्यादातर वीडियो एडिटिंग टूल जो भी आपने यूज किए होंगे, फिल्मोरा, कैमटेशिया वगैरह वगैरह, उनमें आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर फीचर भी मिलता है लेकिन वो थर्ड पार्टी टूल हो गए। लेकिन विंडोज 11 का खुद का इनबिल्ट एक ऐसा टूल है जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। ओके, वो कौन सा टूल है? उसका नाम है क्लिपचैम्प। आप यहां पे क्लिपचैम्प लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प को आप ओपन करेंगे। ये विंडोज का इनबिल्ट टूल है, आपको पहले से मिलेगा। बाय चांस आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों ही फ्री टूल हैं, तीनों ही आपको सुविधा देते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अब ये टूल कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है? ओके, इस टूल की खास बात यह है कि इसमें आप वेबकैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको जस्ट क्या करना होगा, वैसे तो यहां पर आपको नीचे ही मिल जाता है रिकॉर्ड योरसेल्फ, जैसे आप इस पर राइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सीधी विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ क्योंकि ये तो यहाँ से कई बार टेम्पलेट्स चली भी जाती हैं। तो क्रिएट न्यू वीडियो पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिपचैम ओपन करेंगे, क्रिएट न्यू वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिकॉर्ड एंड क्रिएट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं स्क्रीन एंड कैमरा, यानी कि आप बैकग्राउंड स्क्रीन प्लस अपना कैमरा यानी कि वेबकैम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एक साथ। आप टीचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पर OBS का यूज़ ले रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा कैमरा यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कैमरा यूज़ नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पे बताएगा कि कैमरा कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज ले रही है, तो यहां पर आप इसका यूज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ कैमरा रिकॉर्ड करना हो, अपना सिर्फ वेबकैम रिकॉर्ड करना हो, या फिर फोन के थ्रू आपको रिकॉर्ड करना हो, फोन को एज वेबकैम यूज करके फिर आपको कैमरा रिकॉर्ड करना हो, तब आप इसका यूज ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन, अगर आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो, उसके अलावा सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करनी हो, और टेक्स्ट टू स्पीच भी इसका एक AI फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। ओके, तो स्क्रीन एंड कैमरा मैं इसलिए यूज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनदर एप्लीकेशन इज यूजिंग योर कैमरा, यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्योंकि मेरा जो OBS रिकॉर्डर है वो इस वक्त अभी कैमरे को यूज ले रहा है। ओके, अगर मैं उससे रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो मैं आपको ये नहीं दिखा रहा होता। अदरवाइज मैं जो ज्यादा यूज लेता हूँ वो स्निपिंग टूल का यूज ले लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट मैंने उसको प्रिंट स्क्रीन से दबा के सीधा रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं क्लिक करूंगा। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आप माइक कौन सा यूज लेना चाहते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल माइक है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करने की सुविधा आती है। ओके, अगर आप कोचिंग चाहते हैं किस तरीके से आपको कैसा माइक वगैरह कहाँ पर कैसा पिच वगैरह रखना है तो आप इसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड करने से पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी विंडो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ये OBS की विंडो ओपन है जहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है। इस विंडो को मैं कैप्चर कर सकता हूँ या फिर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प जो आप करंट विंडो देख रहे हैं इसको कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो पूरी एंटायर स्क्रीन कैप्चर करनी है तो आप इस तरीके से एंटायर स्क्रीन आप सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास दो, मेरे सामने इस वक्त दो मॉनिटर रखे हुए हैं इसलिए मेरे पास दो स्क्रीन आती है। अगर आप एक मॉनिटर यूज़ करोगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीन शो होगी। तो जैसे सपोज मैं स्क्रीन वन यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जो करंट मेरी स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं पीछे, सिस्टम ऑडियो भी चाहता हूँ यानी कि सिस्टम साउंड भी चाहता हूँ और शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लिपचैम्प की हेल्प से आप मैक्सिमम 30 मिनट की ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि इसका भी अपग्रेड वर्जन है। अगर प्रो वर्जन आप इसका परचेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से तब आप 30 मिनट से ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री वर्जन में 30 मिनट तक ही करें और 30 मिनट सफिशियंट है यार, बहुत है 30 मिनट। 30 मिनट का कौन सा वीडियो रिकॉर्ड करते हो, मैं तो किया नहीं, और करते हो तो स्निपिंग टूल है। फिर अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे क्लिपचैम्प में। शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो गई। ओके, यहाँ पे अब मैं इस क्लिपचैम्प को मिनिमाइज करता हूँ। ये जो छोटी सी विंडो यहाँ पे आ रही है इसको आप इस तरीके से साइड से पकड़ के मूव कर सकते हैं, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, मूव कर सकते हैं, और नहीं पसंद है इसकी शक्ल तो आप हाइड भी कर सकते हैं। ओके, अब आप जो भी काम करेंगे वो आपका रिकॉर्ड हो रहा होगा यहाँ पे। मैं सपोज जैसे नोट पैड में यहाँ पर कुछ मैसेज लिखता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।
ओके सपोज मैंने ये मैसेज लिखा, काफी कुछ स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लिया, क्लिप चैम्प ओपन करेंगे, देन यहाँ पर स्टॉप का बटन आता है, स्टॉप पे क्लिक करेंगे और ये होगी आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड। सेव एंड एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अब आप चाहें तो यहीं पर इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट 1080p तक यानी कि HD क्वालिटी तक में आप इसको फ्री में कर सकते हैं, 4K में करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 1080p इज इनफ और आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, पिक कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो करके आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस तरीके से और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिर आप इसको यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्लिप चैम का डिमेरिट है कि इसमें तुरंत सेव नहीं होता है, इसमें एक्सपोर्टिंग होती है। ओके, एक्सपोर्ट होता है आपका वीडियो, रेंडर होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी नाइस फीचर विदाउट एनी वाटरमार्क। तो ये थे 3 बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, वो भी फ्री में, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के खुद के। तो इस तरीके से गाइज आप भी अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।